हे वेलकम गाइस इन अप एंड लर्न विद सनी। तो गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ टू हैक ए पर्सनल कंप्यूटर पीसी। ये तब आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है जब आपके नेटवर्क के अंदर, मींस जब आप किसी एक नेटवर्क में, मींस आप वाईफाई चला रहे हो या वैन से कनेक्टेड हो, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे उस कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी उतना ही है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने नेटवर्क में किसी और कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आ चुका है। तो गाइज़ इसका सबसे पहला है स्टेप कि आपके सिस्टम और आपके टारगेट के सिस्टम में कनेक्शन होना चाहिए बीच में। बिना आप कनेक्शन के आप ऑनलाइन तो कर ही नहीं सकते उस सिस्टम को हैक। उसके लिए आपको ऑफलाइन यूज़ करना होगा, मींस आपको कोई पेन ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर वायरस डालना होगा या ट्रोजन या जो भी आपकी मर्ज़ी वो डाल के उस आपके टारगेट सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा, और तब आपको जाके उसका कहीं एक्सेस मिल सकता है। तो अगर आप उसे ऑनलाइन हैक करना चाहते हो तो कनेक्शन आपके बीच में होना चाहिए। कनेक्शन आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको चेक करना होगा कि उसका पता होना चाहिए कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उसे पिंग रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो जिससे आपको अगर रिप्लाई आता है तो कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आपको कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करना है। पहली मेन बात तो यही होती है कि आपका और उस सिस्टम का बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उसको ओपन पोर्ट चेक कर सकते हो एन मैप के थ्रू, या और भी बहुत सारे टूल हैं उनके थ्रू आप ओपन पोर्ट्स उसके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ओपन पोर्ट हैं जिनके थ्रू आप हैकिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अगर आपको पोर्ट्स स्कैन नहीं करने, सिर्फ उसके ट्रैफिक कैप्चर करना है जिससे आपको पता चले कि वो क्या सर्फिंग कर रहा है या जो भी उसकी, मतलब ऑल इंटरनेट एक्टिविटी, तो आप वायरशार्क के थ्रू उसे कैप्चर कर सकते हो पोर्ट फॉरवर्ड करके, जो मैं आपको बता दूंगा पोर्ट फॉरवर्ड होता क्या है। उसके बाद वापस एन मैप पे, वो वापस हैकिंग पे आ जाते हैं वायरशार्क से हटके, कि आपको चेक करना होगा कि उसके सिस्टम पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स है या नहीं है। अगर गाइज आप मेरे एथिकल हैकिंग के वीडियोस देख रहे हो तो मैंने उसमें बता चुका हूँ कि आप कैसे किसी भी उसको चेक कर सकते हो कि इसमें आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर आप जब चेक कर लोगे कि कौन कौन से उसके आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आपको उन्हें गूगल करना होगा जिससे कि आपको उनकी वल्नरबिलिटीज़ पता चल जाए कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो हैक करने के लिए। तो ये भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। देन आपको नेक्स्ट है कि आप नेसिस के थ्रू या और भी इसके जो कंपटीटर है उनके, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस है उनको यूज़ कर सकते हो नेसिस के अलावा, जो उनका वल्नरबिलिटीज़ आपको चेक करके, मतलब ये जो अभी आउटडेटेड वाला काम है वो ये आपको खुद ही करके दे देगी, आपको सॉफ्टवेयर सर्च नहीं करना होगा, इसमें आपको खुद वल्नरबिलिटीज़ उनकी बता देगी, तो आप मेटास्प्लोइट के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हो, उसकी हैक कर सकते हो। देन उसके बाद आपको फाइनली बस नेसिस वो मेटास्प्लोइट यूज़ करना है और आप हैक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्योंकि अगर आपके आप किसी एक सेम नेटवर्क में हो, चाहे वो लैन हो, वैन हो या जो भी मैन हो, जो भी आपका हो, आप उन सब से किसी भी थ्रू हैक कर सकते हो, बस कनेक्शन बीच में मस्ट है। तो कनेक्शन कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना होता है, और उसके बाद पिंग, और उसके बाद कोई भी आईपी एड्रेस जैसे 127.0.0.1, ये क्योंकि इसका लोकल होस्ट है तो इसका ऑलवेज रिप्लाई आएगा, तो आपको कुछ ऐसा रिप्लाई आता है। इसमें आपको 64 बिट का एक पैकेट सेंड किया गया है इससे, और क्योंकि इसी में आ रहा है यहाँ पे इसका टाइम है कि कितने टाइम में ये रिप्लाई कर रहा है, तो ठीक इसी टाइप से आप किसी भी उसको चेक कर सकते हो जो भी हो, उससे आप हैकिंग आराम से, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके और उसके बीच कनेक्शन है या नहीं है, और उसके बाद आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो नेसिस, वायरशार्क या जो भी आपको अच्छा लगे। तो गाइज ऐसे आप हैकिंग कर सकते हो, आपके स्टेप्स वही रहेंगे जो एथिकल हैकिंग में होता है। सबसे पहले आपको कनेक्शन चेक करना है, इंफॉर्मेशन निकालो उसकी, क्या कुछ आपको करना है, पोर्ट स्कैन करो कौन सा ओपन पोर्ट है, सॉफ्टवेयर चेक करो कौन से आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स है, उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनमें आप कैसे उनकी वल्नरबिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हो,
वो सब आपको करना होगा, उसके बाद ही आप किसी सिस्टम को हैक कर सकते हो। तो गाइज़ आई थिंक आपका जो भी ये क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।